जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड के अध्याय 24वें व 25वें की कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं 24वें अध्याय से, जिसमें शिव की आज्ञा से सती द्वारा श्री राम की परीक्षा के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्रज्ञ, आपने मुझसे भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताया। हे प्रभु, मैं महादेव जी का सपत्निक यश वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपया अब मुझे आप यह बताइए कि तत्पश्चात शिवजी व सती ने क्या किया, उनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने एक बार की बात है कि सती को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ। वह वियोग भी उनकी लीला का ही रूप था, क्योंकि इनका परस्पर वियोग तो हो ही नहीं सकता है। यह वाणी और अर्थ के समान है, यह शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्र स्वरूप है। सती और शिव तो ईश्वर हैं, वे समय समय पर नई नई लीलाएं रचते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती का त्याग क्यों किया। ऐसा इसलिए हुआ और स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती को छोड़ दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में आयोजन में भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं किया और यज्ञ स्थल पर भगवान शंकर का अनादर क्यों किया। उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा उसके पश्चात वहां पर क्या हुआ। हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस विषय में सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रज्ञ नारद, मैं तुम्हारी उत्सुकता देखकर तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। हे सभी, भगवान शिव की ही लीला है, उनका स्वरूप स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी उनके अनुरूप ही हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव अपनी प्राण प्रिय पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठकर पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते हुए देखा। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, जिसे लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। वे जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार कर उन्हें ढूंढ रहे थे। पत्नी से बिछुड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे, उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। भगवान शिव ने वन के राम को भटकते देखा, परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुए। देवी सती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिवजी से बोली, हे सर्वेश, हे करुणानिधान सदाशिव, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता आपकी ही सेवा करते हैं, आप सबके द्वारा पूजित हैं, वेदांत और शास्त्रों में के द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये दोनों विरह व्यथा से व्याकुल रहते हैं। ये दोनों धनुर्धर वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? भगवान उनके ज्येष्ठ पुरुष की अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, आप उसे देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रहे हैं? आपने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम क्यों किया? स्वामी कभी भक्त को प्रणाम नहीं करता। हे प्रभु, आप मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे इस विषय में बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद कल्याणमयी आदिशक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न पूछने आरंभ किए, तो देवों के देव महादेव भगवान शंकर हंसकर बोले, देवी यह सभी तो पूर्व निर्धारित है। मैंने उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप ही उन्हें नमस्कार किया था। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं। उनके शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें गोरे रंग के छोटे भाई साक्षात शेष के अंश हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है। धरती पर उनका जन्म साधुओं की रक्षा और पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए ही हुआ है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर सती को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा विभ्रम भगवान शिव की माया के कारण ही हुआ था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि देवी सती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो वे अपनी पति दक्ष कन्या सती से बोले, देवी यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम इस बात से आश्वस्त न हो जाओ कि दोनों पुरुष ही राम और लक्ष्मण हैं और तुम्हारा मोह न नष्ट हो जाए, तब तक मैं यहीं बरगद के नीचे खड़ा हूँ।
तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, अपने पति भगवान शिव के वचन सुनकर सती ने अपने पति को का आदेश प्राप्त कर श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली, परंतु उनके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि कैसे उनकी परीक्षा लूँ। तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं देवी सती का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ, यदि वे साक्षात विष्णु का अवतार हैं तो वे मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया और श्री राम जी के समक्ष चली गई। देवी सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर ही किया था। सती को माता सीता के रूप में देख कर राम जी सब कुछ जान गए। वे हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, हे देवी सती, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप तो यहाँ हैं परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं और आपने अपने परम सुंदर और कल्याणकारी रूप को त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण किया है? श्री राम जी की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गई। तब वे शिव जी की बातों का स्मरण कर तथा सच्चाई को जानकर बहुत शर्मिंदा हुई और मन ही मन अपने पति भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करती हुई बोली, हम अपने पति करुणा निधान भगवान शिव तथा अन्य पार्षदों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वहीं बरगद के नीचे बैठ गए। आपको यहाँ देख भगवान शिव आनंदित होकर आपकी महिमा का गान करने लगे। वे आपके दर्शन से आनंद विभोर हो गए। मेरे द्वारा इस विषय में पूछने पर जब उन्होंने मुझे बताया कि आप श्री विष्णु जी का अवतार हैं तो मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ और मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आ गई। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। हे श्री हरि, अब मुझे आप यह बताइए कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन के यही संशय है, कृपया आप मुझे इस विषय में बताकर मेरे संशय को दूर कर मुझे शांति प्रदान करें। देवी सती के ऐसे वचन सुनकर श्री राम प्रसन्न होते हुए तथा अपने मन में शिव जी का स्मरण करते हुए प्रेम विभोर हो उठे। वे प्रभु शिव के चरणों का चिंतन करते हुए मन में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है 24वां अध्याय और शुरू होता है 25वां अध्याय, जिसमें श्री राम का सती के संदेह को दूर करना बताया गया है। श्री राम बोले, हे देवी सती, प्राचीन काल की बात है, एक बार भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई जो बहुत बड़ी थी। उसमें उन्होंने एक मनोहर विस्तृत भवन का भी निर्माण करवाया। उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। यह बहुत ही अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र, देवगण, सिद्धों, गंधर्वों, समस्त उपदेवों तथा नाग आदि को भी शीघ्र ही उस मनोहर भवन में बुलवाया। सभी देवों और वेदों और आगमों को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को मुनियों, अप्सराओं सहित समस्त देवियों सहित 16 नाग कन्याओं आदि सभी को उसमें आमंत्रित किया, जो कि अनेक मांगलिक वस्तुओं के साथ वहां आए। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर अपूर्व संगीत का गान किया। इस प्रकार यह एक बड़ा समारोह और उत्सव था। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे घड़े मंगाए गए। अनेक दिव्य सामग्रियां भी गणों द्वारा मंगवाई गई। फिर उच्च स्वरों में वेद मंत्रों का घोष कराया गया। हे देवी, भगवान श्री हरि विष्णु की उत्तम भक्ति से भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते थे। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाया। महादेव जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें बहुत से आभूषण और अलंकार बनवाए। उन्होंने भगवान विष्णु के सिर पर मुकुट पहनाकर उनका अभिषेक किया। उस समय वहां अनेक मंगल गान गाए गए। तब भगवान शिव ने अपना सारा ऐश्वर्य, जो कि
किसी के पास भी नहीं था उन्हें प्रेम पूर्वक प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने उनकी बहुत स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा जी ने से बोले, हे लोकेश, आज से श्री हरि विष्णु मेरे वंदनीय हुए। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। तब वे पुनः बोले कि आप सहित सभी देवी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करें तथा सभी वेद मेरे साथ साथ श्री विष्णु जी का भी वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवी, भगवान शिव अपने भक्तों के ही अधीन हैं। वे अत्यंत दयालु और कृपा निधान हैं। वे सदा ही भक्तों के वश में रहते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शिव ने यह सब कुछ किया तथा इसके उपरांत उन्होंने श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ ध्वज को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी श्री हरि की सच्चे मन से स्तुति की। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को बहुत से वरदान दिए तथा कहा, श्री हरि, आप मेरी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हों। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा बुरे अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड तथा उनका नाश करने वाले हों। आप पूरे जगत में पूजित हों तथा सभी मनुष्य सदैव आपका पूजन करें। तुम कभी भी पराजित नहीं होंगे। मैं तुम्हें इच्छा की सिद्धि, लीला करने की शक्ति और सदैव स्वतंत्र रहने का वरदान प्रदान करता हूँ। हे हरे, जो तुमसे बैर रखेंगे उनको अवश्य ही दंड मिलेगा। मैं तुम्हारे भक्तों को भी मोक्ष प्रदान करूँगा तथा उनके सभी कष्टों को भी निवारण करूँगा। तुम मेरी बाएं भुजा से और ब्रह्मा जी मेरे दाएं भुजा से प्रकट हुए हो। रुद्रदेव जो साक्षात मेरा ही रूप है, मेरे ही हृदय से प्रकट हुए हैं। हे विष्णु, आप सदा सबकी रक्षा करेंगे। मेरे धाम में तुम्हारा स्थान उज्जवल एवं वैभवशाली है। वह गोलोक नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे द्वारा धारण किए गए सभी अवतार सबके रक्षक और मेरे परम भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा। श्री राम जी कहते हैं, देवी, श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तभी भगवान श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु गोप वेश धारण करके आए और गोप, गोपी तथा गौओं के स्वामी बनकर प्रसन्नता पूर्वक विचरने लगे तथा जगत की रक्षा करने लगे। वे अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हुए जगत का पालन करने लगे। वे ही भगवान शिव की आज्ञा से चार भाइयों के रूप में प्रकट हुए। अब इस समय मैं विष्णु की अवतार रूप में प्रकट होकर चार भाइयों में से सबसे बड़ा राम हूँ। दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। मैं अपनी माता के आदेशानुसार वनवास भोगने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ इस वन में आया था। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और मैं यहाँ वहाँ भटकता हुआ अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहा हूँ। सौभाग्यवश मुझे आपके दर्शन हो गए। अब निश्चय ही मुझे मेरे कार्य में सफलता मिलेगी। हे माता, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे यह वरदान दें कि मैं उस पापी राक्षस को मारकर अपनी पत्नी सीता को उसके चंगुल से मुक्त कर सकूं। मेरा यह महान सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं धन्य हो गया। इस प्रकार देवी की अनेक प्रकार से स्तुति करके श्री राम जी ने उन्हें अनेकों बार प्रणाम किया। श्री राम की बातें सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति एवं चिंतन करने लगी। अपनी भूल पर उन्हें लज्जा आ रही थी। वे उदास मन से शिव जी के पास चल दी। वे रास्ते में सोच रही थी कि मैंने अपने पति महादेव जी की बात न मानकर बहुत बुरा किया और श्री राम जी के ही प्रति भी बुरे विचार अपने मन में लाई। अब मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। उन्हें अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वे शिव जी के समीप गई और चुपचाप खड़ी हो गई। सती को इस प्रकार चुपचाप और दुखी देखकर भगवान शंकर ने पूछा, देवी, आपने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली। यह प्रश्न सुनकर देवी सती चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने शिव जी को कोई उत्तर नहीं दिया। वे असमंजस में ही थी कि क्या उत्तर दें, लेकिन महादेव योगी शिव ने ध्यान से सारा विवरण जान लिया और उनका मन से त्याग कर दिया।
भगवान शिव ने सोचा, अब यदि मैं सती को पहले जैसे ही स्नेह करूं तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वे धर्म के पालक शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए सती का मन से त्याग कर दिया। फिर सती ने कुछ न कहकर वे कैलाश की ओर चल पड़े। मार्ग से सबको विशेष कर सती जी को सुनने के लिए आकाशवाणी हुई कि महायोगी शिव, आप धन्य हैं, आपके समान तीनों लोक में कोई भी प्रतिज्ञा पालक नहीं है। इस आकाशवाणी को सुनते ही देवी सती शांत हो गई, उनकी कांति फीकी पड़ गई। तब उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, कृपया आप मुझे बताइए। परंतु भगवान शिव ने विवाह के समय भगवान विष्णु के समक्ष जो प्रतिज्ञा की थी उसे सती को नहीं बताया। तब देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करके उन सभी कारणों को जान लिया जिसके कारण भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया था। त्याग देने की बात जानकर देवी सती अत्यंत दुखी हो गई। दुख बढ़ने के कारण उनके आंखों में आंसू आ गए, वह सिसकने लगी। उसके भाव मनोभावों को समझकर और देवी सती की ऐसी हालत देखकर भगवान शिव ने अपनी प्रतिज्ञा की बात उनके सामने नहीं कही। तब सती का मन बहलाने के लिए शिवजी उन्हें अनेक अनेक कथाएं सुनाते हुए कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर पहुंचकर शिवजी अपने स्थान पर बैठकर समाधि लगाकर ध्यान करने लगे। तभी सीता ने दुखी मन से अपने धाम में रहना शुरू कर दिया। भगवान शिव को समाधि में बैठे हुए देखकर बहुत समय हो गया था। तत्पश्चात शिवजी ने अपनी समाधि तोड़ी। तब देवी सती को पता चला तो वे तुरंत शिवजी के पास दौड़ी चली गई। वहां आकर उन्होंने शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया और उन्हें प्रेम पूर्वक बहुत सी कथाएं सुनाई। इससे देवी सती का शोक दूर हो गया, परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। हे नारद, ऋषि मुनि आदि सभी शिव और सती की इन कथाओं को उनकी लीला का ही रूप मानते हैं, क्योंकि वे तो साक्षात परमेश्वर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, भला उनमें वियोग कैसे संभव हो सकता है। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनमें वियोग होना असंभव है, उनकी इच्छाओं और लीलाओं से ही उनमें वियोग हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है अध्याय 25वां और हमारा आज का वीडियो भी। जल्दी ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।